लाइट लाइट कलर करूंगा, सिर्फ सर पे कलर करूंगा। ये देखो यहाँ सिर्फ सर पे कलर करूंगा और पूछ पे कलर करूंगा। तो गाइस ये देखो ये रहा वो बच्चा, भाई कलर चेक करो, ये देखो पर, देखो पर हमारे कबूतर का कलर हो गया है पूरी तरह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने मेरी कलर वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, तो आज मैंने सोचा कि फिर से एक कलर वाली वीडियो बनाई जाए। तो मैंने मेरे जो दो नए मकवे थे, नए नहीं मतलब सबसे पहले वाले जो मकवे, तो ये देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बंदे, खोलो इन्हें तला। तो आज ना हम इन लोगों को ना सेम ऐसी कलर करेंगे, पूछ पे और सर पे, सिर्फ ज्यादा कलर नहीं करेंगे, आसमानी कलर करेंगे, वो बहुत मस्त लगेगा, ब्लू कलर। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो गाइस अभी ये दोनों कितने अच्छे से हैं, और इन लोग ना अभी बच्चे पे अंडे पे भी आए हुए हैं। नहीं 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 खराब दिखेगा, सिर्फ सर पे, सिर्फ सर पे करो, और सर के बाद ना उसकी पूछ पे हल्का सा कलर करना। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग हमारे मकवों को कलर करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को कलर बनाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कलर यहाँ पे रेडी है। ये देखो यहाँ पे कलर हमारे रखे हुए हैं। तो भाई अभी हम लोग सोच रहे हैं ना सबसे पहले व्हाइट लेंगे और व्हाइट के बाद ब्लू मिक्स करेंगे। ये डार्क ब्लू है तो इसके अंदर हाँ थोड़ा पानी डालो। ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ब्लू कलर ले रहे हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा व्हाइट कलर मिक्स करेंगे, ताकि ना ये जो है ना मतलब कलर थोड़ा लाइट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है ब्लू, देखो आपको दिख रहा होगा। अभी इसके अंदर थोड़ा व्हाइट कलर भी मिक्स करेंगे हम लोग। ये देखो ये व्हाइट और ब्लू दोनों मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। कितना प्यारा लग रहा है, ये दोनों को कलर करेंगे तो भाई कितना मस्त लगेगा दोनों। मैं थोड़ा पानी मिला देता हूं। तो गाइस देखो ये ब्लू कलर आ गया है उठ के, ये देखो ये लाइट हो गया है अभी थोड़ा। तो अब इससे ना हम लोग इसके सर पे और इसकी पूंछ पे हल्का हल्का कलर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इन लोगों को, वरना ना ज्यादा करने पे कैसा होता है मतलब अजीब से दिखने लगेंगे और एक दूसरे को पहचान देंगे भी नहीं, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो है ना इनको दोनों को जो है ये अंडे पे आए हुए हैं। अब ये एक दूसरे को जब पहचानेंगे नहीं तो फिर अंडे बच्चे को देखेंगे नहीं, तो इस वजह से हम लोग इनको ज्यादा कलर नहीं कर रहे हैं, वरना तो मैं ज्यादा कलर करता था। फिलहाल तो देखो भाई इन लोगों को एकदम लाइट लाइट कलर करूंगा, सिर्फ सर पे कलर करूंगा। ये देखो यहाँ सिर्फ सर पे कलर करूंगा और पूंछ पे कलर करूंगा। भाई ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, ये देखो भाई ये कलर किया ही नहीं रहेगा अपने कबूतर को। हाँ और गाइस वैसे आपको एक चीज बता दूं, तलहा के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। कल नहीं दो तीन दिन पहले तलहा ना मतलब नीचे जा रहा था, तो उसके ऊपर ना कुत्ते ने भोंक दिया, तो ना सीढ़ियों से गिर गया था, तो इसके हाथ में ना हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। दो तीन दिन से इसे दर्द हो रहा था और सूज गया था, तो इसको हम लोग आइसिंग वाइसिंग किए, लेकिन कल लेके गए ना, तो कल जाने के बाद दवा खाने में मालूम पड़ा हॉस्पिटल में कि भाई इसके हाथ में यहाँ पे हड्डी में क्रैक आया हुआ है। तो गाइस चलो यहाँ पे हम लोग कलर करना शुरू करते हैं। ये देखो हम लोगों ने कलर ले लिया, इसके सर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस इसके सर पे तो हम लोगों ने कर दिया कलर, अब इसकी पूंछ पे हम लोग कलर करना शुरू कर रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोगों ने इसका कलर करना शुरू कर दिया है, और अभी थोड़ी देर में इसकी पूंछ का कलर भी होके पूरा हो जाएगा। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो आधे से ज़्यादा काम हो चुका है इसका कलर, देखो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा लगा दिया है, और इसके सर पे भी कलर हो चुका है, और भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अभी तक सूखा नहीं है कलर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है ये। सूखने के बाद और भी प्यारा लगेगा गाइस, ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताओ आप लोग अभी के अभी। और गाइस चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार, और हमारे 10K सब्सक्राइबर पूरे कर दो जल्दी जल्दी से। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने जब तक वहाँ कलर हो रहा है यहाँ पे सबको दाना पानी कर दिया, आपको दिख रहा होगा। और एक और चीज़ की मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, आज हमारे यहाँ पे देखो आपको दिखेगा मुखी का बच्चा और हमारा जो गोले का बच्चा है, दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, और ये देखो इसका कलर भी बाहर दिखने में आ गया है भाई, ये बच्चे का काफ़ी प्यारा कलर आ रहा है। और ये देखो ये अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है, ये वाला मुखी का बच्चा है, मुखी देखो वही कलर की आ रही है जो कलर की थी मुखी, उसका ही बच्चा है, सेम टू सेम वो इसी माँ बाप की तरह कलर लेके आ रहे हैं। अब वो बच्चा देखो उसको कैसे खुजा रहा है, उसको भूख लगी हुई है। मैंने आपको बताया नहीं था हमारा ये घर का एक और पट्टा है, देखो भाई इतना प्यारा है ये, हाथ में मैं आपको उठा के बताता हूँ इसको, भाई इतना अच्छा है ना ये, मतलब क्या बताऊँ आपको, कलर इतना प्यारा कलर निकला हुआ है इसका। देखो भाई क्या बच्चा निकला हुआ है भाई, कलर चेक करो इसका, ये देखो भाई इतना भाई मस्ती खो रहे ना, ये इकलौता कबूतर है जिसके पर मैंने पूरे के पूरे रखा हूँ, और एक ये वाला कबूतर है, इन दोनों के पर मैंने काटा नहीं हूँ।
देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसकी चोंच पे देखो फोड़ी आई हुई है, इसकी चोंच का भी इलाज करना है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। तो गाइस ये देखो, ये रहा वो बच्चा भाई, कलर चेक करो, ये देखो पर, देखो पर, इसके पर चेक करो भाई, क्या ही प्यारा कलर निकला है। ये देखो इतना प्यारा कलर निकला है गाइस, देख रहे हो, उड़ने में तो भाई ऐसा लगता है भाई जैसे क्या ही, मतलब इतना प्यारा लगता है कलर इसका जब उड़ाओ तो इसे। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे कबूतर का कलर हो गया है पूरी तरह से, और देखो इसको भाई अभी जाने की इतनी घाई है, ये देखो इसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, छोड़ते साथ ये देखो अपने घर में जाएगा, और अब देखो वो उसे पहचानेगा भी कि नहीं क्या पता। ये देखो अंदर चले तो गया है। अच्छा वो वाला जिसको हमने कलर किया वो वाला मेल है और ये वाली फीमेल है, तो इसके वजह से कुछ कर नहीं रहे, वरना दोनों अभी लड़ने लग जाते थे। देखो मेल को हम लोगों ने कलर किया है ब्लू कलर का भाई, और क्या खूबसूरत लग रहा है, अभी तक सूखा नहीं है ये, तो इसके वजह से कलर इसका ना दिख रहा नहीं है आपको सही से। बस देखो ये बाहर आ चुका है फाइनली, और फिर देखो तलहा को देख के फिर अंदर चले गया। तलहा बताओ अभी भी नहीं हुआ है सही से ना कलर। गाइस ये देखो ये भाग के आ गया था, नीचे उतर गया, तो हम लोग ने बोले जान दो चलो हो गया, लेकिन इसका कलर अभी तक पूरी तरह हुआ नहीं है, तो इसको अभी भी कलर करना बाकी है। एक सेकंड मैं इसकी ना चोंच पकड़ लूं, अब करो आराम से कर दो। ये देखो गाइस यहाँ पे इसका कलर होने वाला है पूरा, थोड़ा यहाँ साइड से आँख के पास से, ये देखो एकदम अच्छे से गाइस इसका पूरा कलर हो चुका है, और ये बहुत प्यारा भी लग रहा है भाई। अभी तो कुछ नहीं है, अभी ये सूखने के बाद मेन अच्छा लगेगा भाई, अभी इतना कुछ वो नहीं लग रहा है, ऐसे सूख जाएगा तो उसके बाद मेन इसका कलर उठ के आएगा। इतना बोल रहे थे ये पूरा, अगर ये पूरा गोल कर देते थे पूरा ब्लू। अभी नहीं, अभी फिलहाल तो भाई जैसा है वैसे रहने दो, अभी ये देख चेक कर रहे हम लोग कि भाई ये कलर कैसा आता है इसके ऊपर, अभी जैसे ही ये कलर सूखेगा इसका दिखने में आएगा तब हम लोग इसके कलर को ना मतलब और आगे करेंगे बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल जैसा है वैसे ही रखेंगे इसे। तो उसकी फीमेल उसे पहचान नहीं रही है, देखो उससे दूर भाग रही है अभी, ये देखो उसकी फीमेल उससे दूर भागना शुरू हो गई है। गाइस आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, ठंडी ठंडी हवा चल रही है काफी ज्यादा अच्छी, और देखो भाई कलर तो मैंने कर दिया हूँ, आप लोगों को कैसा लगा वो कलर कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।